क्योंकि कोरोना के साथ ही अब तो जीना सीखना होगा, इसलिए अब इससे डरना नहीं है, इसके साथ ही एहतियात बरतते हुए बढ़ते जाना है, क्योंकि कोई भी वजह जीवन को नहीं थाम सकती, फिर चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो। इसी सबक के साथ आगे बढ़ रहा है एक परिवार, तेलंगाना के रामबाबू मारागनी का परिवार, जो खम्मम शहर में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, लेकिन कोविड ने उनकी नौकरी छीन ली और अब वो पत्नी के साथ सड़क किनारे खाने की रेड़ी लगाकर परिवार का पेट पाल रहे हैं। रामबाबू का कहना है, किसी पर निर्भर ना रहे, खुद के पैरों पर खड़े हो। सोशल मीडिया पर रामबाबू के जज्बे की तारीफ हो रही है। सुजीत बॉम्बे ने कमेंट किया, कर्म ही पूजा है। मिराज शाह ने रामबाबू के लिए लिखा है, यही जज्बा होना चाहिए, आप गिरो और उसके बाद और मजबूती के साथ उठ खड़े हो, बेस्ट विशेस टू हिम। राज यूपी ने लिखा, सर सलाम है आपको। धर्मेंद्र गज्जर लिखते हैं, ये सभी भारतीयों के लिए एक संदेश है, अपने काम के लिए किसी और की तरफ देखना बंद करो, खुद ही पहल करो। पीस फॉर ऑल नाम के यूजर ने लिखा, इससे कहते हैं आत्मनिर्भर होना, राम बाबू जी आपको सलाम। देखिए, जब आप अपने बलबूते पर कुछ हासिल करते हैं तो ये इज्जत है जो आप पाते हैं। रामबाबू की भले ही टीचर की नौकरी छूट गई, लेकिन परिवार का तो भरण पोषण करना ही है, परिवार को तो पालना ही है, और रामबाबू के काम को देखकर लगता है कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। सबसे बड़ा जो सच है वो है आत्मनिर्भर होना, और रामबाबू ने अपने जज्बे से दिखा दिया कि नौकरी छूट गई तो क्या हुआ, कोरोना ने एक गहरी चोट दे दी तो क्या हुआ, जिंदगी में हारना नहीं है, बस बढ़ते ही जाना है। रामबाबू की इस कहानी को देखते हुए शकील बदायूनी की वो बात याद आती है, उन्होंने लिखा था, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। आपको बता दें, कोरोना काल ने हर किसी का जीवन बहुत हद तक बदल दिया है, सिर्फ राम बाबू का ही जीवन नहीं बदला, बल्कि ऐसे लाखों लोग हैं जिनका काम कोरोना ने छीन लिया। जैसे अभी साउथ में एक डबल एमए की डिग्री रखने वाले शख्स केले का ठेला लगाने पर मजबूर हुए, थाईलैंड में महीने भर में 4 से 6 लाख रुपए कमाने वाला बेरोजगारी झेलता रहा और फिर डिलीवरी बॉय बनकर अब अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। ऐसी कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं, जिनमें से एक कहानी रामबाबू की भी है, जिसने हर किसी को उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया है।